जोरदार तालियां बच्चों के लिए, जोरदार तालियां। मुझे महसूस नजर नहीं आ रहा है तो किस कलाकार है या खिलाड़ी है। बच्चों गुस्सा और जल गुस्सा होता रहेगा जो बच्चे करके किसी भागीदारी लेगा और आगे बढ़ेगा। तो मैं सभी को कह रहा हूँ आप महोदय के साथ साथ प्लीज जोरदार तालियों की बच्चे का हौसला अफजाई करें। बहुत ही शानदार जन स्टेशन। मैं सब अतिथियों से प्रार्थना करूंगा एक ग्रुप फोटो के लिए बच्चों के साथ आपका ग्रुप फोटो। जिला स्तरीय जंप रोप प्रतियोगिता में स्टैनफोर्ड स्कूल रहा प्रथम। जिला सोनीपत जंप रोप महासचिव हरिओम कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक हरखौदा के अंतर्गत थाना खुर्द गांव के स्टैनफोर्ड स्कूल में छठी जिला स्तरीय जंप रोप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 22 स्कूलों के 211 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला सोनीपत भाजपा प्रवक्ता तरुण देवीदास रहे। हरिओम कौशिक ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में ऑल ओवर विजेता ट्रॉफी में प्रथम स्थान स्टैनफोर्ड स्कूल थाना खुर्द प्रथम रहा व दूसरे स्थान पर बिरला इंटरनेशनल स्कूल खरखौदा दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तीसरे स्थान पर संयुक्त विजेता सपीडीम स्कूल सरगठल व श्री राम स्कूल पाई रहा। सिंगल इवेंट में अंडर 10 आयु वर्ग में लड़कियों में 30 सेकंड स्पीड में जीविका बिरला स्कूल ने गोल्ड मेडल, निशा स्टैनफोर्ड स्कूल गोल्ड मेडल व हर्षिता व रिजुल ने सिल्वर मेडल हासिल किया। 3 मिनट जॉगिंग में मिस्टी गोल्ड मेडल, फ्री स्टाइल में भूमिका ने गोल्ड मेडल हासिल किया। अंडर 12 लड़कों के वर्ग में सिंगल बाउंस में पवन ने गोल्ड मेडल व मयंक सिल्वर मेडल व ध्रुव ने ब्रोंज मेडल हासिल किया। वही अंडर 12 लड़कियों के वर्ग में प्रीति व दिशा गोल्ड मेडल, जिज्ञासा व तनय ने सिल्वर मेडल हासिल किया। अंडर 14 लड़कों के वर्ग में 30 सेकंड में विशिष्ट ने गोल्ड मेडल व विनीत ने सिल्वर मेडल हासिल किया। प्रतियोगिता में विशेष अतिथि के रूप में पवन दुगल, सोमवीर आर्य, शिला आंतिल जिला अध्यक्ष कांग्रेस शहरी व नीलम बाल्यान जिला अध्यक्ष कांग्रेस सोनीपत ग्रामीण, कुलदीप दहिया चेयरमैन बिरला स्कूल, रोहित कालखंडा, नीरज वशिष्ठ मेडिकॉन ग्रुप, संदीप दहिया, सुनील दहिया, नरेंद्र सरपंच थाना खुर्द, आशीष दहिया थाना कला, नरेंद्र शास्त्री लेफ्टिनेंट NCC, वीर सिंह आर्य हरियाणा महासचिव जंप रोप, अमित सारथी, नीरज रोहतक, मंजीत दहिया ककरोई, कुलदीप वत्सपाई रहे। प्रतियोगिता की अध्यक्षता स्टैनफोर्ड स्कूल चेयरमैन उत्सव दहिया ने की। प्रतियोगिता आयोजक सचिव प्राचार्य ऋतु शर्मा व सह सचिव स्कूल डायरेक्टर पूजा उत्सव कुमार दहिया रहे। मैं आशीष दहिया हूँ, मेरा गांव थाना कला है और आज हरिओम जी जो सोनीपत जंप रोप एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और प्रधान हमारे तीरथ राणा जी हैं जो गोहाना से विधायक का BJP टिकट पे इलेक्शन लड़े थे और आज जिलाध्यक्ष भी हैं, उनके सानिध्य में आज यहाँ थाना खुर्द गांव में स्टैनफोर्ड स्कूल के अंदर ये हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने इस स्कूल को चुना और हमारे क्षेत्र में ये प्रतियोगिता जो सोनीपत जिला स्तर की प्रतियोगिता है जंप रोप के लिए, जिसमें युवा बच्चे जो है अपना प्रतिभा को दिखा रहे हैं, ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए फ्यूचर में भी। और मेरी शुभकामनाएँ हैं बच्चों को कि वो यहाँ से विजयी होकर और स्टेट लेवल पे भी जाकर पदक हासिल करें और सोनीपत का नाम रोशन करें और बाद में हरियाणा का नाम रोशन करें नेशनल लेवल पर विजयी होकर। सर क्या कुछ संदेश देना चाहोगे बच्चों को? मेरा एक ही संदेश है, जीवन में कोई भी स्पोर्ट्स या शिक्षा के क्षेत्र में अगर उनको कामयाबी हासिल करनी है तो बच्चे को 2 गुण धारण करने चाहिए, एक जिज्ञासा और दूसरा धैर्य। आप जिज्ञासा से किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा प्रकट करते हो, धैर्य के साथ आप मेहनत और लगन के साथ अपने विजय के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो यही मेरा बच्चों के लिए संदेश है। ये 6th डिस्ट्रिक्ट सोनीपत जंप रोप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हमारे हरियाणा जंप रोप एसोसिएशन के बैनर तले इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें 25 स्कूलों के लगभग 160 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारी इस प्रतियोगिता के ओपनिंग सेरेमनी के जो विशेष अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई आशीष दहिया जी, श्री नीरज वशिष्ठ जी जो हमारे मेडिकॉन ग्रुप मेंबर हैं, श्री नरेंद्र शास्त्री जी जो हमारे NCC लेफ्टिनेंट हैं और हमारे इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर चेयरमैन हमारे स्कूल प्रबंधक श्री उत्सव दहिया जी
और जो ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हैं हमारी प्रिंसिपल मैम श्रीमती रितु शर्मा जी इसमें आयोजक सचिव हैं। आज मैं धन्यवाद करता हूँ फेडरेशन का जो हमारा स्कूल इन्होंने चुना है जंप रोप कॉम्पिटिशन के लिए, और आगे भविष्य के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा स्कूल CBSE बोर्ड से 10th के लिए एफिलेटेड हो जाएगा। और मैं सबको नमस्कार करता हूँ, मेरा नाम नीरज वशिष्ठ है और मेडिकॉन ग्रुप से मैं यहाँ पर आया हूँ। भाई हरिओम जी ने हमें यहाँ पर बुलाया है गेस्ट के रूप में, तो जो भी बच्चे यहाँ पर आए हैं स्कूल से, जितने भी स्कूल से आए हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर आके खेले कूदे और खेल खेल में एक मेडल भी जीते और विजेता भी यहाँ से बन के जा रहे हैं। जो बच्चे यहाँ विजेता नहीं बन के जा रहे हैं वो भी आगे आके विजेता बनेंगे।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।